हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। कल के दिन का नोटिफिकेशन है 17/5/2024, यानी कि 17 मई के दिन का नोटिफिकेशन है, और एक नोटिफिकेशन इसके एक दिन पहले यानी कि 16 मई के दिन भी आया था। मैं किसी काम में व्यस्त होने की वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन कल से लेकर अब तक बहुत सारे कमेंट, मेल और मैसेजेस आए हुए हैं कि ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर वैकेंसी अपडेट के बारे में बात करी गई है, उसकी डेट है, और साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन की डेट भी यहां पे दी गई है, जो कि 21 से 27 मई के बीच में है। तो ये कैसा नोटिफिकेशन है, किसके लिए नोटिफिकेशन है, क्योंकि जो हमारे पोस्ट ऑफिस के महासचिव SS महादेवा जी हैं, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपने चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी है। तो हमने इसके बारे में कंप्लीट रिसर्च कर ली है। दोनों नोटिफिकेशन को नंबर वाइज ओपन करेंगे और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, या जिसको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा बता दें कि नई भर्तियों को लेकर भी बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आपको इस वीडियो को देखना है। कुछ लोगों का इंतजार 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। आवेदन करने की आखिरी डेट 27 मई है। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे नोटिफिकेशन पर चलेंगे, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया, तो आप लोग एक बार जाके विजिट जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन, जिसकी डेट आप लोग देख सकते हैं 17/5/2024 यानी कि 17 मई के दिन की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और GDS सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग, टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और जनरल मैनेजर। यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सब्जेक्ट है GDS रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर, और यहाँ पे साइकिल मई 2024 और शेड्यूल एक्टिविटी रिकॉर्डिंग। तो आपको बता दें कि यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो आपका यहाँ पे GDS का जो आपका बहुत दिन से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था एक जगह से दूसरे जगह के लिए, वो ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने के लिए ये सारी की सारी डेट्स हैं। इसके अंदर आपको बताएंगे डिटेल में मई 2024 शेड्यूल जो एक्टिविटी है, क्या चल रहा है, कौन सी डेट के अंदर अप्लाई होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक्टिविटी है और टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है। पहले ही आपको बता देते हैं, ये नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन नहीं है, यानी जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं, GDS फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं GDS टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट, यानी कि यहाँ पे इनको लग रहा है कि नई वैकेंसी आई है, उसकी डेट्स है। कभी भी नई वैकेंसी जब भी आएगी तो ऐसा एक्टिविटी या टाइमलाइन ना देकर के इंपॉर्टेंट डेट्स दिया जाएगा, उसके अंदर अप्लाई की डेट दी जाएगी। आप समझिएगा, बहुत सारे उससे जो काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, कम परसेंट में सिलेक्शन के लालच में आपने नॉर्थ ईस्ट से आवेदन कर दिया, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी, अभी आप वहीं फंसे हुए हैं, आपका गुजारा उतने सैलरी में नहीं हो रहा, या अपने होम टाउन आना चाहते हैं, अपनी लोकल एरिया में आप जॉब करना चाहते हैं, तो अब आपको जाके मौका मिला है कि आप जो ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो रहा, जो भी डेट दी गई है, वो सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करिए और दिए गए समय में ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन करिए, ताकि आप यहाँ मुंबई, दिल्ली से अपने लोकल होम टाउन पे आ सकें। उसकी डेट है, वैकेंसी अपडेट हो चुका है 7 से लेकर 15 मई के बीच में। आगे ये भी बताएंगे कि नई वैकेंसी में कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले इस बात को समझिए, जो वैकेंसी अपडेट हुई है, यानी कि जो देखा गया कि कहाँ पे कितनी लोकेशन के अंदर कौन सी वैकेंसी खाली है, कहाँ से कौन से लोग अपने होम टाउन पे रिटर्न हो सकते हैं, उसकी डेट है 7 से 15 मई, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी डेट है 21 से 27 मई के लिए। ध्यान रखिएगा, केवल जो ऑलरेडी GDS की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अपने घर वापस आना चाहते हैं, अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस के अंदर जॉब चाहते हैं, उनके लिए 21 से 27 मई के बीच ये लिंक ओपन किए गए हैं, और ये सारे के सारे जो फॉर्म का अप्लाई है वो बंद हो जाएगा। तो 28 और 29 तारीख को फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जैसे आप ओरिजिनल फॉर्म के अंदर करते हैं पूरी प्रोसेस वही होगी। वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन होगा डिवीजन वाइज, जो कि रहेगा 30 से लेकर 3 जून, यानी 30 मई से 3 जून के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो अगली डेट है वो रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ ट्रांसफर अप्रूव्ड, यानी कि जिनका जिनका भी ट्रांसफर अप्रूव्ड हो जाएगा उनकी लिस्ट 7 जून को आएगी। बहुत फास्ट प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि GDS की न्यू वैकेंसी भी 7 से लेकर 15 जून के बीच में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपका GDS है, ज्वाइन है न्यू पोस्ट, यानी कि
इसी महीने में 22 तारीख को, जो जून का महीना होगा, 22 तारीख को आपका अपने नए ब्रांच के अंदर जहां भी आपका ट्रांसफ़र होगा, जहां के लिए भी आपने जगह भरी होगी, जहां भी आप जाना चाह रहे होंगे, वहां पे आपको 22 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, यानी आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। यहां पे देखिए 20 से लेकर 20 यानी पूरे एक महीने के अंदर आपका अप्लाई भी हो जाएगा, आपके फॉर्म में करेक्शन भी हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र भी अप्रूव्ड हो जाएगा और आपको नए जगह में ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप इतने सालों से फंसे हुए हैं कहीं दूसरी जगह, ऑनलाइन ट्रांसफर आपको नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसफर पोर्टल भी ओपन नहीं हो पा रहा, फाइनली एक महीने के अंदर आपको आपके नए यानी कि होम टाउन के अंदर जॉब मिल जाएगी। इसके अंदर और भी काफी कुछ चीजें बताई गई हैं, ये कंप्लीट पीडीएफ है, आप लोग इसको देख सकते हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट भी है और एक और नोटिफिकेशन है, इसको भी आपको दिखा देते हैं, जो कि 16/5/2024 को आया हुआ है और ये किसी योजना का रिकॉर्डिंग है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको आपको दिखाने का केवल एक ही मतलब है कि जीडीएस के अंदर बहुत तेजी से काम चल रहे हैं। अभी हम बताते हैं कि नए जीडीएस कर्मचारी जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं यानी जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए कैसे ये बेनिफिट की बात है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने बताया था कि पहले ये वैकेंसियों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जिनका ऑलरेडी पिछले साल शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड और स्पेशल ड्राइव के अंदर तीन भर्तियों के अंदर जिनका भी ज्वाइनिंग प्रोसेस रुका हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुका हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ, उनको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ एक मसला ये भी था कि बहुत सालों से ये जो आपका ट्रांसफ़र रूल है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो ओपन नहीं हो पा रहा था, फाइनली एक महीने के अंदर ये सब ज्वाइनिंग भी खत्म हो जाएंगी, प्रमोशन वाली वैकेंसियां भी आपकी 7 जून से आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में हमने एक वीडियो में बात किया था। इसी बीच आपको देखने को मिलेगा जीडीएस न्यू वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया, यानी कोई अड़चन नहीं रहेगी, ना तो ट्रांसफर नियम बीच में बाधा डालेगा, ना ही पुराने वैकेंसियों का जो रुका हुआ ज्वाइनिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका बाधा डालेगा, क्योंकि वो भी 25 तक यानी कि 25 मई तक खत्म हो जाएगा, और ना ही प्रमोशन वाली जो नई वैकेंसी वो ही आपके नॉर्मल यानी कि जो आपका फ्रेशर कैंडिडेट की वैकेंसी होती है उनके बीच में रोना बनेगी। तो कुल मिला के आपका यहां पर सारी की सारी जो मुसीबतें हैं वो खत्म होती जा रही हैं और इन वैकेंसी केवल ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है ये केवल उनके लिए जो कि ऑलरेडी जीडीएस की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। आप बस तैयारी करते रहे, जो भी अपडेट हमको मिलेगी वो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी 1% टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप जीडीएस की जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनका जिक्र हमने नौकरीखबर.com वेबसाइट पे किया हुआ है, आप उनके लिए भी आवेदन करें। वेट करते रहते हैं आप लोग कि आपकी मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हो। तो हमने ग्राम पंचायत के ऊपर 1,12,000 दसवीं पास वालों की वैकेंसी है जहां आपका केवल इंटरव्यू और 10th के मार्क के बेसिस पर ही सिलेक्शन होने वाला है, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें ताकि आपको समय से अपडेट मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी आपको हमने बताई होगी वो आपके समझ में आ गई होगी। ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।